हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में, और आज हम बात करने वाले हैं MCO 6 के एक क्वेश्चन को लेकर के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस क्वेश्चन तक आपको सबसे पहले कैसे पहुंचना है, मैं आपको बता दूं कि जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं अपने YouTube चैनल पे, मैं आपको बता दूं कि ये सारी की सारी चीजें हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। जहाँ पे जिनको वीडियो देखने का टाइम नहीं हो पाता या फिर उनको वीडियो देखना होता पसंद नहीं है, तो वो जा करके चीजों को रीड कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, किसी भी पब्लिकेशन का कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं, बिकॉज सारी की सारी चीजें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको यूनिट वाइज स्टडी करने के लिए 1 रुपए भी पे करने की जरूरत नहीं है। आपको बस हमारे वेबसाइट पे विजिट करना है और स्टडी करनी है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम में टाइप करना है कॉमर्स ई पाठशाला, ठीक है ना? आप जैसे ही कॉमर्स ई पाठशाला टाइप करेंगे और सर्च करेंगे, हमारा जो वेबसाइट है वो निकल करके आ जाएगा। ये हमारा बिजनेस है जो कि यहाँ पे रजिस्टर्ड है। नीचे में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कॉमर्स ई पाठशाला डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ये हमारा वेबसाइट खुल गया। इसके बाद आपको सपोज एम कॉम की स्टडी करनी है, देखो यहाँ पे बी कॉम प्रीवियस ईयर, एम कॉम प्रीवियस ईयर, इग्नू के क्विक लिंक्स, ये सारे के सारे टैब मैंने बनाए हुए हैं। इग्नू एम कॉम का टैब बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आप इग्नू एम कॉम पे क्लिक करेंगे, इग्नू एम कॉम पे आने के बाद ये कोर्सेज हैं इग्नू फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के। हम आज बात करने वाले हैं इग्नू MCO 6 के बारे में, राइट? मतलब कोर्स सेकेंड ईयर के बारे में, जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो आपको इस नाम के ऊपर क्लिक, आपको जो भी स्टडी करना है उसके नाम के ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपको डायरेक्टली यूट्यूब वीडियो अगर वॉच करना है, तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको ये जो रेड कलर का बटन है, जो रेड कलर का हाइपर लिंक क्रिएट हो रहा है, ये आप क्लिक करके डायरेक्टली इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियो को जाकर के देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आप स्टडी करना चाहते हो, मतलब थ्योरेटिकल अगर आप स्टडी करना चाहते हो, तो आपको इस नाम के ऊपर क्लिक करना। मैं MCO 6 आपको बता रहा हूँ, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का सारा यूनिट वाइज जो है क्वेश्चन यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है? सारे के सारे क्वेश्चन अवेलेबल है। अब हम बात करने वाले हैं पहले यूनिट के बारे में। सपोज इसका मुझे आंसर चाहिए, डिफाइन मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स इंप्लीकेशंस फॉर एन इमर्जिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया। ये सपोज इस क्वेश्चन को मुझे इस वीडियो में डील करना है, सपोज क्या मुझे करना ही है, तो क्या करूंगा मैं, क्लिक हेयर आंसर के लिए, क्लिक हेयर यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, आंसर जो है वो निकल करके आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। आप यहाँ पे बैठ के इत्मीनान से जो है इसको स्टडी कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, एग्जाम का प्रिपरेशन आपका बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। साथ ही साथ इन सारी चीजों को लेकर के अगर आपको वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको हमारे चैनल का जो ये जो यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स है, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसके YouTube वीडियो लेक्चर्स अगर आप देखना चाहते हो, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे कि सपोज मैं MCO 6 के वीडियो लेक्चर देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे YouTube वीडियो लेक्चर्स के ऊपर क्लिक करूंगा। इसका वीडियो लेक्चर Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. एग्जाम में बहुत आसानी से 6 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है ना? तो अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में जो मैंने अभी निकाला है। यस, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो हम डिस्कस करने वाले थे, राइट? तो आइए फिर इसको देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है? तो ये हमारा क्वेश्चन है, ओके? डिफाइन मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स इंप्लीकेशंस फॉर एन इमर्जिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया। सो अब हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो मार्केटिंग क्या होती है, इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, मार्केटिंग इज अ सोसाइटल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स और एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड व्हाट थ्रू क्रिएटिंग व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। देखो यहाँ पे क्या बोलेगी कि मार्केटिंग का मतलब होता है कि एक सोसाइटल प्रोसेस है जहाँ पर जो इंडिविजुअल्स होते हैं या जो ग्रुप्स होते हैं वो अपने नीड्स को या फिर अपने वांट्स को पूरा करने चाहते हैं। कैसे? वो जो कस्टमर्स होंगे उनको वो अच्छी चीजें ऑफर करेंगे, अच्छी चीजें क्रिएट करेंगे, और जो प्रोडक्ट है उसका फ्रीली एक्सचेंज होगा, राइट? फ्रीली एक्सचेंज मतलब फ्रीली नहीं, पैसे वहां पे देने होते हैं, बट आपको कस्टमाइज प्रोडक्ट मिलेगा। आपको जैसा प्रोडक्ट चाहिए होगा, जो आपकी कंपनी होगी, जो जिस कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हो, वो आपके लिए कस्टमाइज प्रोडक्ट आपको बना करके देगी। इसी को कहते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब होता है कि लोगों के कंज्यूमर का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को तैयार करना ताकि लोग आपसे वो चीजें खरीदें। तो मार्केटिंग का जो ये डेफिनेशन आप देख रहे हो, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, कि कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, कंपनी यू नो अपने नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए वहां पे वो क्रिएट कर रही है चीजों को, राइट? ऑफर कर रही है, फ्रीली एक्सचेंज ऑफर कर रही है। मार्केटिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर नीड्स एंड डिजायर्स इनटू अ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, है ना? तो मार्केटिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जहां पे आप
डिस्कवर करने की कोशिश करते हो कंज्यूमर के नीड्स को और उसके डिजायर्स को, उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डिजाइन करते हो, डिमांड को क्रिएट करते हो, और उन सारे प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने के बाद उन सारे प्रोडक्ट्स को जो है आप डिलीवर करते हो टू द कंज्यूमर्स, सर्विंग द कंज्यूमर एंड हिज डिमांड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ मार्केटिंग चैनल्स एंड एक्सपेंडिंग द मार्केट बेस इन द फेस ऑफ कॉम्पिटिशन। जैसा कि मैंने आपको बताया वही सारी चीजें यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है, तो बहुत ही आसान से डेफिनेशन है मार्केटिंग का, आप इसको पढ़ करके आराम से एग्जामिनेशन में लिख सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से इम्प्लीकेशंस हैं इंडिया में मार्केटिंग का, है ना। जब हम बात करते हैं मार्केटिंग का, तो मार्केटिंग का देखो हर एक जगह हर एक कंट्री में अलग अलग सिचुएशन होता है। जैसे अमेरिका में मार्केटिंग करना काफी आसान है, अभी के टाइम में इंडिया में भी मार्केटिंग करना काफी आसान है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहाँ पे आप जाकर के मार्केटिंग कर सकते हो। बट इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, और इंडिया में अगर आपको मार्केट करना है, मार्केटिंग करनी है, तो किस तरीके से आप करोगे, क्या क्या इंप्लीकेशन आपको झेलनी पड़ेंगी, वो सारी चीजें इस वीडियो में बताई गई है। तो चलिए देख लेते हैं, इंडियन मार्केट हैज चेंज फ्रॉम अ डेवलपिंग मार्केट टू एन इमर्जिंग मार्केट। इंडियन मार्केट जो है हमारा वो चेंज हो गया है डेवलपिंग मार्केट से इमर्जिंग मार्केट में। हमारा जो मार्केट है वो धीरे धीरे इमर्ज कर रहा है, हमारा जो मार्केट है वो अमेरिका से भी, और अमेरिका नहीं चाइना से काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। हम उसी के साथ कम्पीट कर रहे हैं फिलहाल के टाइम पे, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन और हमारी पॉपुलेशन तकरीबन सेम है, तो एक तरीके से हम लोग एक सेम पेज पे हैं। अगर हम अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली जो उनका 12 ट्रिलियन का जो उनका पूरा का पूरा GDP है उसको हम क्रॉस कर सकते हैं। ओके, सो द मार्केट इज इन रूट टू अ डेवलप्ड मार्केट एज As the choices of consumption basket of consumers have increased in the last decade. जैसा कि आपको समझ में आ रहा है ये पढ़ के कि जो मार्केट है, जो डेवलप्ड मार्केट था हमारा, वो एक तरीके से इस तरीके से इमर्ज कर गया है कि पिछले लास्ट डेकेड्स में, पिछले 10 सालों में, पिछले लास्ट कुछ समय में, कि जो कंजम्पशन बास्केट है कंज्यूमर्स का वो काफी बड़ा हो गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे चीजों का यू नो अपॉर्चुनिटीज है चीजों को तैयार करने का, और एक तरीके से हमारे पास एक बहुत यू नो अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास मौका है, हमारे पास स्किल है जिसके जरिए हम एक अच्छा मार्केट तैयार कर सकते हैं, और उसका काम जो है होगा कि हम जो है अपने चीजों को बाहर एक्सपोर्ट करें, क्योंकि एक्सपोर्ट होगी तो ही हमारी इकोनॉमी जो है बड़ी हो पाएगी। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि जो मार्केट है, जो जो चॉइस ऑफ कंजम्पशन है कंज्यूमर्स की बास्केट का, वो एक तरीके से बहुत बढ़ गया है, डिफरेंशिएट हो गया है पिछले लास्ट डेकेड्स में, राइट। हाउएवर वन कैन नॉट इग्नोर द नेगेटिव इफेक्ट्स आल्सो। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, द डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे इंडिया में भी जो डिवाइड है, जो एक तरीके से अलग पना है ना, रिच एंड पुअर का, वो धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। पहले गरीब और अमीर जो है थोड़े बहुत साथ में मिलकर के यू नो काम करते भी थे, बट अभी के टाइम पे जो ये डिफरेंस है यू नो ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है ना। तो ये इसका एक लार्ज एक इम्पैक्ट है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे मार्केट के ऊपर। अ लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज स्टेइंग अवे फ्रॉम द यूज ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ दीज चेंजेस। तो ये जो चेंजेस हुए हैं हमारे इंडियन मार्केट में, इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो फायदा है, वो बहुत बड़े एक सोसाइटी का जो सेक्शन है उसको उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, राइट। मार्केटिंग मैनेजर्स हैव टू रीथिंक एट ऑल दीज इश्यूज एंड ट्राई टू मेक एन डेवलपमेंटल डेवलपमेंटल ओरिएंटेशन सो दैट मोर एंड मोर कस्टमर्स विल एंजॉय द बेनिफिट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं उनको एक तरीके से दोबारा सोचना होगा कि किस तरीके से वो इन सारे इश्यूज को, जो कि है कि जो लोग जो है सारा बेनिफिट इसका नहीं उठा पा रहे हैं, ये जो इस तरह की इश्यूज हैं, इनको पूरा करने के लिए, इसको एक तरीके से टैकल करने के लिए मार्केटिंग मैनेजर्स को वापस से सोचना होगा कि किस तरीके से वो डेवलपमेंटल ओरिएंटेशन का ध्यान रखते हुए, उस ओरिएंटेशन की तरफ खुद को उन्मुख करते हुए, वो किस तरीके से लोगों तक लिबरलाइजेशन और मार्केट इकोनॉमी का जो बेनिफिट है उसको पहुंचा सकते हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी और लिबरलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचाना है, इसके बारे में मार्केटिंग मैनेजर्स को थोड़ा सा सोचना होगा, राइट। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया, द रीसेंट थ्रस्ट बाय द हिंदुस्तान यूनिलीवर थ्रू द ऑपरेशन भारत प्रोएक्टर एंड गैम्बल। यहाँ पे जो PNG आपने सुना होगा, बहुत सारे हम लोग शैम्पू इस्तेमाल करते हैं PNG का, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो भी इंडियन कंपनी नहीं है, है ना। टाई अप विद मारिको फॉर इनहेंसिंग रूरल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ई चौपाल स्ट्रेटेजी बाई ITC आर इंडिकेटर्स। देखो यहाँ पे जो बात बोली जा रही है वो ये है कि इंडिया में जो मार्केट है, जो कंपनीज है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपना रही है ताकि वो अपने मार्केट को और इनहेंस कर सके, मार्केट को और बड़ा कर सके। तो यहाँ पे देखो जो बात बोली गई है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इंडिया में ऑपरेशन भारत चलाया, प्रोक्टर एंड गैम्बल जो कि PNG है उसने मारिको के साथ मिलकर के अपने रूरल जो उनका एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था उसको इनहेंस करने के लिए उन्होंने मारिको के साथ एक तरीके से टाई अप किया। ITC के द्वारा ई चौपाल की स्ट्रेटेजी लाई गई है ना, इंडिकेटर्स दैट द मार्केटियर्स आर ट्राइंग टू वू द रूरल कस्टमर्स फॉर इंक्रीजिंग देयर कंजम्पशन।
जो रूरल कस्टमर है, देखो इंडिया की जो 70% पॉपुलेशन है वो स्टिल गांव में रहती है, आपको पता है ना, तो उन तक अपने प्रोडक्ट को कैसे लेकर के जाएं, उन तक सारी फैसिलिटीज तक पहुंचाने के लिए उनको ये सारी जो चीजें हैं वो की जाती है। ई चौपाल किया जाता है आईटीसी के द्वारा, हिंदुस्तान यूनिलीवर के द्वारा, ऑपरेशन भारत किया जाता है, तो ये सारी चीजें जो है की जा रही है। तो इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, लेकिन यहाँ पे आधी से ज्यादा आबादी जो है गांव में रहती है, तो उसके कारण से लोगों को जो है इस तरीके से जो है क्या बोलो इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं, है ना। तो ये सारी इम्प्लीकेशंस हैं इंडियन मार्केट में। दिस विल बी ओनली पॉसिबल व्हेन द इनकम पावर ऑफ द रूरल कंज्यूमर इंक्रीजेस, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जो इनकम पावर है रूरल कंज्यूमर का, जो गांव के कंज्यूमर है उनका जो इनकम पावर है जब उनका बेहतर हो पाएगा तो ही इन सारी चीजों को आप ओवरकम कर पाओगे। मार्केटियर्स हैव टू मार्केटियर्स हैव टू टेक द डेवलपमेंटल अप्रोच फॉर बिल्डिंग सच स्ट्रेटेजी, है ना। जो मार्केटियर्स हैं वहां पे उनको डेवलपमेंटल अप्रोच लेना पड़ेगा ताकि वो किसी तरह की स्ट्रेटेजी को बिल्ड कर सके। हिंदुस्तान लीवर इज नॉट ट्राइंग टू मार्केट द प्रोडक्ट्स थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वेयर बाय द सोसाइटी बैकवर्ड एंड वल्नरेबल पीपल कैन बिकम पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम एंड अर्न टू कंज्यूम। अब देखो यहाँ पे जो हिंदुस्तान लीवर है वो ट्राई कर रही है कि मार्केट में वो किसी तरह की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होती है, जो खुद का ख्याल रखती है, जो ग्रुप्स होती है, आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम सुना होगा, जो कि अपने आप में ही एक एनजीओ की तरह काम करती है, जो कि लोगों को सेवाएं प्रोवाइड करती है। तो जो कंपनीज होती है वो इनके साथ डायरेक्टली टाई अप कर रही है कि आप हमारे प्रोडक्ट को एक तरीके से लोगों तक पहुंचाएं, उन तक उनको एक तरीके से बताएं कि हमारा ये प्रोडक्ट है और किस तरीके से वो उनके काम आ सकता है ना। तो जो सोशली बैकवर्ड या फिर जो वल्नरेबल पीपल है वो किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया मीडिया नहीं मेन स्ट्रीम जो हमारा यूज है कंज्यूमरिज्म, उसको किस किस तरीके से वो हिस्सा बन सकते हैं और किस तरीके से कंज्यूम करके वो कमा भी सकते हैं, साथ ही साथ वो चीजें उनको सिखाएं, इस चीज को करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ टाई अप किया गया है। इन द लॉन्ग रन, अगर लॉन्ग रन की बात की जाए, मार्केटिंग मैनेजर सक्सेस विल बी मेजर्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर देन द करेंट अप्रोच ऑफ मार्केट शेयर, है ना। अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो जो मार्केटिंग मैनेजर होते हैं उनका सक्सेस जो है वो मेजर किया जाएगा ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, है ना, ना कि उनका जो करंट अप्रोच है मार्केट शेयर को लेकर के उसको उसके ऊपर। तो डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि हो गए कि रूरल मार्केट में उसका उनका मार्केटिंग कैसा है, अर्बन जो मार्केट है उनमें उनका मार्केट शेयर कैसा है, इन सारे चीजों को एक तरीके से जो है एग्रीगेट करके चीजों को जो है देखा जाता है और मार्केटिंग मैनेजर के सक्सेस को मेजर किया जाता है। एज अ रिवेन्यू एज वेल एज द प्रॉफिट्स ऑफ द अर्बन मार्केट विल श्योरली टू ड्राई डाउन इन फ्यूचर, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अर्बन मार्केट जो है धीरे धीरे करके वहां पे जो भी प्रॉफिट होना था वो हो चुका है, ऑलरेडी लोगों को सारी चीजों के बारे में पता है, कंपटीशन यहीं पे ज्यादा है, बट फिर भी यहाँ पे जो ग्रोथ होना था वो हो चुका है, लोगों को जानकारी है, बट गांव में सबसे बड़ा मार्केट है, गांव में जो है प्रॉफिट ज्यादा होंगे, गांव में जो है एक तरीके से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए जो कंपनीज होती हैं वो गांव की तरफ अपना रुख कर रही हैं और उनको एक तरीके से रिझाने की कोशिश कर रही हैं। देयर इज नो डाउट दैट द स्टेटस ऑफ इंडियन कंज्यूमर हैज इंक्रीज्ड but the percentage is so small that the task now is bringing more people to the field of consumption. देखो ये यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे कोई किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है कि जो इंडियन कंज्यूमर उनका जो स्टेटस है वो बढ़ा है। आप अगर पिछले 10 साल 15 साल पीछे जाओगे तो उस टाइम पे जो कंज्यूमरिज्म है हमारे इंडिया में उतना ज्यादा स्ट्रेंथन नहीं था, हम प्रोडक्ट्स के बारे में जानते नहीं थे, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में हमको पता नहीं थी, हम प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ी होने से हम उसका कंप्लेन कहाँ करेंगे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। लेकिन अभी के टाइम पे कंज्यूमरिज्म जो है, जो हमारा स्टेटस है कंज्यूमर का, वो काफी हद तक इंक्रीज हो गया है। लेकिन अगर नंबर में बात करेंगे तो अभी भी जो उसका नंबर है वो बहुत ही कम है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज का फायदा नहीं पहुंच पाया है लिबरलाइजेशन और फ्री मार्केट इकोनॉमी का, राइट। तो यहाँ पे जो मार्केटियर्स हैं, जो मार्केटिंग मैनेजर्स, उनका काम यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन द फील्ड ऑफ कंजम्पशन लोगों को ला सके और एक तरीके से जो बेनिफिट है ना फ्री मार्केट इकोनॉमी का या फिर लिबरलाइजेशन का, वो उन तक भी पहुंच सके, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत सारे इम्प्लीकेशंस थे जो कि इमर्जिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया के बारे में बताए गए हैं इस आर्टिकल में। आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो, आपको commercepaathshala.blogspot.com पे विजिट करना है और विजिट करने के बाद आपको एमकॉम पे क्लिक करना है, इग्नू एमकॉम, और यहाँ से जाने के बाद आपको जो भी सब्जेक्ट आपको स्टडी करना है उसके नाम के ऊपर क्लिक करोगे और करने के बाद आपको पर्टिकुलर जो क्वेश्चन आप करना चाह रहे हो यूनिट वाइज वो आपको करना है, तो बहुत ही आसानी से आप अच्छे मार्क्स एग्जामिनेशन में ला सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।